अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ह्यूमिडिटी बहुत है एक्चुअली, पसीना बह रहा है, बट यस नाइस टू बी हियर, थिंकिंग लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत फ्रीडम है, फ्री है एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ दैट। प्रॉब्लम्स भी सोच सकते हैं हम, अच्छी बातें बुरी बातें, मार्केट डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो ऐसे सोचते सोचते एक ख्याल आया, अभी बहुत सारी चीज़ें रिसेंटली हैपन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है इन टर्म्स ऑफ दैट। लाइक एक प्रॉब्लम था BL के बारे में, रिसेंटली बहुत सारे शिपमेंट्स हुए और बहुत सारे लोगों ने कुछ बातें पूछी भी। तो BL के बारे में ये पता देखा मैंने कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है आइदर टू सरेंडर BL और आइदर आई विल सेंड इट ओरिजिनल। सो व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट शुड बी डन एंड इन विच केस इट इज़ एप्लीकेबल। सो डू यू नो दैट ऑल्सो? ओके, कोई बात नहीं, अगर पता नहीं है तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे सरेंडर BL क्या होता है और ओरिजिनल BL क्या होता है और कौन से केस में क्या एप्लीकेबल होना चाहिए। यस, हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम ऑथर, ट्रेनर, एक्सपोर्टर एंड बिजनेस कोच। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि बिजनेस में करनी चाहिए ताकि हम बहुत सारा कुछ सीख सके, लर्निंग कर सके और इससे ही आपकी जर्नी आगे चलने वाली है। कमिंग टू द पॉइंट, सरेंडर BL एंड ओरिजिनल BL अगर कहा जाए तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज बिल ऑफ लैडिंग, व्हाट इज BL। ओके, सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द एक्सपोर्ट प्रोसीजर कि अगर आप शिपमेंट करते हो बाय सी रूट तो आपको बिल ऑफ लैडिंग एज अ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट निकाल दिया जाता है। एज पर द रूल एंड एज पर द प्रोसीजर्स फॉलोड इन द एक्सपोर्ट बिजनेस, जो बिल ऑफ लैडिंग आपको मिलता है इट शुड बी सेंड ओरिजिनली टू द कस्टमर, टू द इम्पोर्टर एक्चुअली, एंड अनलेस एंड अंटिल दे हैव रिसीव्ड दिस ओरिजिनल बिल ऑफ लैडिंग दे कांट क्लियर द कार्गो, दे कांट क्लियर योर शिपमेंट। सो दिस इज जस्ट अ जनरल प्रोसीजर, या माइट बी यू नो अबाउट दैट। सो अगर उस केस में कहा जाए तो जैसे है ना कि अभी ओरिजिनल BL तो मुझे मिलना ही चाहिए, इफ़ आई एम इम्पोर्टर फॉर योर शिपमेंट देन आई नीड टू हैव दैट ओरिजिनल बिल ऑफ लैडिंग विद मी एंड देन ओनली आई कैन क्लियर द कार्गो। अभी सरेंडर BL की बात कहाँ से आई? तो BL तो BL ही है, ओरिजिनल तो भेजना पड़ेगा, फिर ये सरेंडर का मामला क्या है? तो जैसे होता है ना कि चलो हम सरेंडर करते हैं इस चीज़ को, इन शॉर्ट है ना कि ऑन द बेस ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ लैडिंग लाइक शिपमेंट इज निगोशिएबल किया जाता है ये, और विद दैट डॉक्यूमेंट आप BL दो और मैं आपको कार्गो देता हूँ, ऐसे वो निगोशिएशन होता है। सो अगर मैंने कहा कि चलो आपका कार्गो अगर ट्रांजिट टाइम बिटवीन टू कंट्रीज इज वेरी लेस इन दैट केस, और फिर आप अगर कार्गो भेज रहे हो विद इन 3 to 5 days इफ इट इज़ रीचिंग देयर, तो समझ के चलो आपका कुरियर जाएगा कब, फिर वो पहुँचेगा कब, फिर वो कार्गो कस्टमर को मिलेगा कब, और ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं कि कुरियर वाले ने डिलीवरी दिया ही नहीं, या फिर कोई आप बिजनेस हो गए, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इफ इट इज़ हैपनिंग विथ यू एंड योर शिपमेंट, इमेजिन वॉट विल बी द सिचुएशन इन दैट केस एंड वॉट विल बी द ट्रबल फॉर यू एंड हाउ मेनी लॉसेस है, हाउ मच लॉसेस यू विल बेयर इन दैट केस। सो इन दैट केस द वन ऑप्शन इज द सोल्यूशन फॉर यू, सरेंडर द BL। सो इन शॉर्ट क्या हुआ, सरेंडर BL का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ओरिजिनल बिल ऑफ लैडिंग टू दैट कस्टमर, आई विल सरेंडर दिस BL टू द शिपिंग लाइन हियर एंड दैट BL विल बी गो देयर। मतलब उस प्रोसीजर से जाएगा, फिर वो अभी उसकी प्रोसीजर अलग है। अभी उसके लिए एक बात भी और है ना कि सरेंडर BL तो मैंने कर दिया, तो आप बोलोगे चलो अच्छी बात है ना, ओरिजिनल भेजने से अच्छा है कि यहाँ से ही करो, डोंट टेक हेडेक। लेकिन सुनो, रुको, पहले उसके लिए भी बहुत सारी प्रोसीजरल पार्ट है कि आप एक तो कौन से सिचुएशन में सरेंडर करोगे, कौन से सिचुएशन में नहीं करना चाहिए, बिकॉज द पेमेंट सिक्योरिटी इज एप्लीकेबल इन दैट केस ऑल्सो। सो यू नीड टू कंसिडर दैट फैक्टर वेरी वेल, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू से दैट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स आर लिंक टू ईच अदर, इवन इन फैक्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इम्पोर्ट बिजनेस इज लिंक टू ईच अदर। सो इफ यू मिस वन लिंक, यस इट विल अफेक्ट ऑन द अदर पार्ट। सो अगर आपने ये सुन के ऐसे सोचा चलो सरेंडर BL अच्छा ऑप्शन है और भेज देते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका पेमेंट फिर अफेक्ट हो सकता है, बिकॉज यू आर नॉट टेकन केयर ऑफ दैट थिंग्स ऑल्सो। सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट। सेकंड है ना कि लाइक उसके लिए खर्चा भी है, कि अगर आप ओरिजिनल BL भेजोगे तो उसके लिए एक्सपायर्ड अमाउंट आएगा, लेकिन अगर आप ओरिजिनल की जगह अगर आप सरेंडर करते हो तो उसके लिए एक्सपायर्ड अमाउंट है। सो हैव यू कैलकुलेटेड दैट कॉस्ट ऑल्सो इन द कॉस्टिंग पार्ट, आपने वो चेक किया है क्या पहले? सो अभी वो बोलो कि इससे बड़ा इतना खर्चा क्या हो सकता है, बट प्लीज एक्सपेंसेस है, कॉस्टिंग है, कुछ भी हो, एक रुपया हो या हज़ार हो या लाख हो, कॉस्टिंग इज कॉस्टिंग, एक्सपेंसेस एक्सपेंस, और इसीलिए यू नीड टू कंसीडर दैट। दैट इज डिफरेंट पार्ट, लाइक आप बेयर करने के लिए तैयार हो, लेकिन यू नीड टू कंसीडर दैट पार्ट इन द कॉस्टिंग पार्ट, बस क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं।
अगर एक साथ में 4-5 कंटेनर बेचती हूँ तो 5 कंटेनर के सरेंडर चार्जेस भी सोच के चलो कितने हो सकते हैं। सो आप उस कॉस्टिंग को भी मतलब पॉइंट रखें, उसके ऊपर भी काम करें, राइट। अभी दूसरी बात यह है ना कि सरेंडर बीएल अभी वो भी चेक करना पड़ेगा कि उस कंट्री के कस्टम को अप्लीकेबल है या नहीं है, या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको ओरिजिनली चाहिए या फिर सरेंडर भी चल सकता है, ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात, अगर सरेंडर बीएल करते भी हो तो भी प्लीज बी केयरफुल, लाइक जब भी आपने सरेंडर बिल किया होगा तो आप अपने शिपिंग लाइन से साथ करोगे, अपने लॉजिस्टिक फॉरवर्डर के साथ मिलकर वो सारी प्रोसीजर हो जाएगी, बट बी केयरफुल एंड बी कॉशियस अबाउट दैट कि वो जो सरेंडर बिल हुआ है वो एक्चुअली सच में उस इंपोर्टर के पास पहुंचा भी है क्या, मतलब उनको वो मैसेज मिला है क्या, दैट प्रोसीजर पार्ट हैज टू बी डन। और अगर वो नहीं हुआ होगा तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के बीएल का ये ऑप्शन चूज किया, लेकिन प्रॉब्लम विल बी देयर। जब तक उस शिपिंग लाइन से मतलब फ्रॉम द लोडिंग पोर्ट से डेस्टिनेशन पोर्ट को वो मैसेज नहीं आता, तब तक शिपिंग लाइन विल नॉट क्लियर दैट कार्गो। सो ऐसे बहुत सारी बातें, सो आई हैव जस्ट गिवन यू 2-3 पॉइंट्स इन दिस पार्ट कि क्या क्या होता है और कैसे होना चाहिए। सो यस, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स ऑल्सो इन दैट केस, यू नीड टू बी कंसिडर दैट। और वही तो बात है ना कि लर्निंग के केस में बहुत सारे लोगों को लगता है अरे मुझे सब कुछ पता है, लेकिन यस आई ऑल्सो फील विथ मी लाइक सब कुछ पता है, अगर मैंने भी अगर कैसे कभी कहा तो सब कुछ पता है के चक्कर में आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। सो जस्ट फाइंड आउट द गैप कि सच में मुझे क्या पता नहीं है, और वो अगर मैं ढूंढती हूँ, वो अगर मैं क्लियर करती हूँ तो बहुत कुछ बात बन सकती है। आई एम ऑलवेज फाइंडिंग दैट ऑल्सो, क्योंकि मुझे क्या पता नहीं है एंड आई नीड टू लर्न दैट, बिकॉज लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड वी शुड बी अ गुड लर्नर। सो चलो फिर, आपने आज तो बहुत सारा अच्छी बात लर्न की है, उसको इम्प्लीमेंट भी करो, अप्लाई भी करो, और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो यस, ग्लोबल फॉर्च्यून इज ऑलवेज विथ यू, क्योंकि यस वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स एंड माइट बी यू आर वन ऑफ देम, क्योंकि एक्सपोर्ट इज ईजी एक्चुअली कहा जाए, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, बट यस डेफिनेटली इट इज डिपेंड ऑन द हाउ ईजी यू आर इन दैट प्रोसेस, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन दैट प्रोसेस एंड हाउ फ्लेक्सिबल यू आर इन दैट प्रोसेस। So it is depend on you. So be flexible, be confident, take a clarity, learn the things, and yes, definitely it will be achieved. So next, अगर हम देखेंगे, चलो ये तो सीरीज हमने देखा सरेंडर के लिए क्या होता है, बट इन दैट प्रोसेस वन प्रॉब्लम एक्चुअली वी हैव फेस्ड रिसेंटली, दैट इज कि अगर डॉक्यूमेंट मैंने सरेंडर नहीं किया है बीएल एंड ओरिजिनल भेज दिया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट पहुंचे नहीं वहां पे टाइम पे, सो तब आपको पता चलेगा कि सरेंडर का एक्चुअल मतलब क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, लाइक व्हाट विल बी द प्रॉब्लम्स हैपन इन दैट केस अगर डॉक्यूमेंट टाइम से नहीं पहुंचते। तो यस, इसके भी मतलब बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यस, फॉलो द सीरीज, फॉलो मी, फॉलो यूट्यूब चैनल, यस, बिकॉज वी आर देयर फॉर यू टू बिकम यू एज एक्सपोर्टर। चलो टेक एक्शन, जय हिंद।